साथ में देखिए महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं के मुद्दे हैं, उसके साथ में आप लोग जैसे लोग अगर हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है किसी महिलाओं की समस्याएं हैं। जिस तरीके से समाज के पटना पटना है, माने समाज हो तो पटना हो, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है लेकिन स्मार्टनेस कहीं दिख नहीं रहा है। सोच में भी स्मार्ट है और शहर में भी स्मार्ट है। आप लोगों को कहीं कहना अगर हो कि हम पटना से हैं, लोग गर्व महसूस करें, अच्छा ये पटना के हैं नंबर वन, बस इतना ही मेरा है। अगर आप जीत कराते हैं तो आपने पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जी, अगर आप जीत कराते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाया जाए और महिला शौचालय हर जगह, हर उसमें महिला शौचालय, और सिर्फ शौचालय ना हो, वहाँ पे शौचालय साफ हो और पुरुषों के भी, और सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा, और साथ में पेयजल जो है वो जो है शुद्ध मिले, और हर जगह हर थोड़ी देर में, हर दूरी में जो है 50 मीटर में 100 मीटर में वहाँ पीने का पानी जो है वहाँ पर व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, उसके साथ में शौचालय। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है कि वेंडर के साथ में जो रिक्शा चालक है और जो हमारे जो रोड साइड में सोते हुए हमारे जो भीख मांगकर ये करते हैं वो जो है फुटपाथ पे सोते हैं, उनको सबसे पहले किसी तरीके का एक जगह दिया जाएगा बना के सरकार की ओर से, और वो जो रिक्शा चालक है
और उसके साथ एक बार मैं दिखाना चाह रही हूँ, हमारे जो युवा है वहाँ पे जिस तरीके से एड में होते हैं स्ट्रीट में गाड़ी चलते हैं, बाइक पर छोड़ते हैं, वो जो है